तो चलो भाई साहब, आज हम रिव्यू करने वाले हैं हनुमान मूवी के ऑफिशियली ट्रेलर को, जो कि अभी भी ड्रॉप हुआ है। इसको देखने के बाद अगर एक वर्ड में मैं इस ट्रेलर का रिव्यू करूं, इट्स अ फैंटास्टिक ट्रेलर। मतलब एक लोअर बजट मूवी के अंदर आप लोग जितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो मूवी अगर आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर रहा है, और अगर वो लोअर बजट मूवी एक हाई स्केल वाला VFX विजुअल्स देने का प्रॉमिस कर रहा है आपको, टीजर के अंदर वैसा कुछ दिखा दिया है। ट्रेलर के छोटे से अनाउंसमेंट वीडियो के अंदर भी जिस तरीके का विजुअल्स VFX दिखाने का प्रॉमिस ये कर रहा है, वैसा अगर डिलीवर कर दे, उससे भी ज्यादा कुछ कर दे, तो भाई साहब एक्सेलेंट फैंटास्टिक ये वर्ड कहना तो बनता है। इतना तो ये लोग डिजर्व करते हैं। तो भाई साहब इस मूवी का बजट जितना मैंने सुना है 20 करोड़, इस मूवी का बजट सुना है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, अगर 20 करोड़ ये एग्जैक्टली बजट है, 20 से लेके 25 करोड़ 30 करोड़ भी मैं मान लेता हूं, अगर इसका बजट है भाई साहब, और अगर इस तरीके से चीजें ये दे रहा है जितना ट्रेलर में देखने को मिला, जितना VFX विजुअल्स देखने को मिला, अगर मूवी के अंदर ठीक ठाक तरीके से हो, ऐसा नहीं कि ट्रेलर के अंदर टीजर के अंदर जो था दिखा दिया मूवी के अंदर और कुछ नहीं है, ऐसा अगर ना हो, ठीक ठाक तरीके से चीजें यहां पे देखने को मिले भाई साहब, तो भाई ये मूवी एक अलग लेवल का हो सकता है। क्योंकि जितना यहां पे ट्रेलर को देख के समझ में आ रहा है, मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, कुछ नया ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर कोई भाई सच में मेहनत करता है, कुछ नया ट्राई करता है, वो अगर सच में इंटरेस्टिंग वे में लगता है, तो अपन तो जरूर से इस चीज को सपोर्ट करते हैं, खुला सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई ये मूवी नेक्स्ट ईयर 2024 के January 12 को आ रहा है। आप सभी लोग नजदीकी सिनेमाघरों में पैन इंडिया मूवी है, पैन इंडिया रिलीज है, आई होप कि आप सभी लोग इस चीज को देखोगे एंड सपोर्ट करोगे। एंड मैं तो भाई साहब बहुत ही तगड़ा वाला एक्साइटेड हूं इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि तेजा सर्जा ने जिस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, जिस तरीके से वो एक्शन वैक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से रॉ फुटेज को भी दिखाया गया वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिस तरीके से कैमरा एंगल्स का यूज लिया गया वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बैकग्राउंड में वो हनुमान चालीसा, ओ भाई साहब इतना ज्यादा सही लग रहा था ना, हनुमान चालीसा जब बैकग्राउंड में धीरे धीरे प्ले हो रहा था भाई, गूज़बम्स आ रहे थे, और जिस तरीके से शुरुआत लिया गया था, वो जो पानी वाला शॉट, फिर लास्ट में वो जो हनुमान जी का मूर्ति यहाँ पे दिखाते कि पानी के अंदर वो जाप कर रहे होते, भाई वो एंगल्स जो पहाड़ वाले कुछ शॉट यहाँ पे दिखाते हैं, और दुबा शेरजा का वो एक्शन वाला सीन भाई साहब बहुत ज्यादा सही, हेलीकॉप्टर वाला एक सीन दिखाते छोटा सा भाई, बहुत ज्यादा भाई। ट्रेलर से तो मेरा एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, मुझे आप लोगों का नहीं पता, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं इस ट्रेलर को देखने के बाद आप लोग कितना एक्साइटेड हो, स्पेशली जब आप इसका बजट सुनते हो ना, उसके बाद अगर जो काम ये लोग कर रहे, जो प्रॉमिस ये लोग कर रहे, जिस तरीके से चीजें दिखा रहे भाई, रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि इतने कम बजट में अगर ऐसे क्वालिटी का मूवी प्रोवाइड कर रहे ऐसे स्टोरी लाइन के साथ, तो भाई साहब कोई भी बंदा जो फिल्मी लवर होगा ना, कोई भी बंदा इसको सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। क्या कहना आप लोग इस विषय में, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, कि हनुमान मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और ऐसा ऐसा है, वीडियो को मारो शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स जितने भी लोग हैं सबके साथ, वीडियो को शेयर मारो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा के ऑल पे सिलेक्ट करो, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास आएगा, आज से लेके जितने भी चीजें आएंगे हनुमान मूवी की तरफ से आपको देखने को मिलेगा, जो भी मेटेरियल्स आएंगे मैं जरूर से कवर करूंगा, फुल सपोर्ट मेरे तरफ से, आप लोगों की तरफ से भी देखना मांगता है, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आज के लिए तब तक ले, बाय, जय हिंद।